बिल्कुल तैयार आपका, जब चाहे इसे खोलिए, जहाँ चाहे वहाँ ले जाए। और इस तरीके से पैकेज में आता है, भेजते हैं इसे आप। ये तो आज हम इस अल्फा ट्रेन जो एक जिसको हम गार्डन इन बॉक्स भी कहते हैं, हम गार्डन ऑन व्हील्स भी कहते हैं इसको, आज उसका हम एक रिव्यू करेंगे। देखते हैं कि इस पैकेज में हम क्या क्या आता है आपको। तो सिंपली हम इसको खोल लेते हैं। नॉन ब्रेकेबल है और हमने मैक्सिमम स्पेस का यूज़ किया है। अब ये जैसे आपने देखा, ये इसके अंदर ये अल्फा ट्रेंच जो भी आपने पिछले वीडियो में आपने देखी होगी जो ये थी, तो वो सारी की सारी इसमें बॉक्स में पैक होती है। इसमें हम साथ में ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कोको पीट हम प्रोवाइड करते हैं। ये कितना है? ये लगभग 650 ग्राम से लेके 1 किलो तक आता है इसमें, बट ये हम इसके साथ हम इसको प्रोवाइड करते हैं। हम इसको अलग से बेचते नहीं हैं, ये कस्टमर की को ईजी करने के लिए, ताकि उनको कहीं और ना जाना पड़े, उनको सारा का सारा जो सोल्यूशन है साथ में देते हैं। और साथ के साथ ही साइज़ के अकॉर्डिंग इसके अंदर और साइजेस भी हैं जिसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। एक ऐसे ये कंपोस्ट का बैग आता है जो हम कई ये एक वेस्ट है, एक एग्रीकल्चरल वेस्ट है जो हम प्रोक्योर करते हैं अपने यहाँ से लोकल फार्मर से, और कुछ कंपनी से भी हम प्रोक्योर करते हैं, जिनको हम पैकिंग करके साथ में कस्टमर को हम देते हैं, जिसके अंदर आपका सारा का सारा पूरा पैकेज है। सिर्फ इसको आप असेंबल करके इन सबको मिला के, इसमें लगभग 3 लीटर पानी मिला के ये फूल जाता है, ये काफ़ी मात्रा में हो जाता है। ये बैग इसके साथ मिला के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब तो आइए इसको असेंबल करते हैं। तो अब बाकी, अब इस जैसे उस गमले के अपने पार्ट्स के बारे में बात की, अपने अल्फा पॉट के बारे में बात की, अब हम अल्फा ट्रेंच के बारे में बात करते हैं कि इसको कैसे आप दिखाते हैं कि भाई किस तरीके से ये डिसअसेंबल और असेंबल हो जाता है, जिसके कारण जो रेंटर्स हैं लोग, जो बहुत सारे जो मूविंग जॉब में होते हैं, वो भी एक गार्डनिंग को अडॉप्ट कर पाए। क्योंकि गमला एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफ़र होती है तो ले जाना बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके से हमने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को देखा, बट लेट्स सी कि इसमें कैसे होते हैं। तो अभी हम पहले इसको डिसअसेंबल कर लेते हैं। फिर आप इसको मैं निकालता हूँ, आप इसको सिर्फ आप खींच लीजिए, दोनों तरफ से दो प्लेट्स, ये दोनों तरफ से दोनों प्लेट्स निकल गए। अब ये हमने साइड दिखा देते हैं। अब हम इसको अगर आप देखें, ये इसकी लेग्स, ये एक मेम्ब्रेन इंस्टॉल्ड है इजिली, ये एलुमिनियम है। जब आप इसको कोई भी इसको तो जंग पकड़ने के भी कोई चांसेस नहीं है। देखिए ये एलुमिनियम है, ये हमारा वही प्लास्टिक है जो ड्यूरेबल प्लास्टिक है, जो मैंने आपको दिखाया कि इसमें क्रैकिंग नहीं है। ये 304 ग्रेड नॉन रस्टिंग स्टील है, आप देख सकते हैं इसमें स्टैंप भी लगी हुई है। आप इसको काफ़ी बेहतर स्टील यूज किया है आपने। और अगर आप और चीज़ नोटिस करेंगे, इसमें कोई भी वेल्डिंग रिविटिंग ग्लू कुछ भी नहीं है, कोई नट, अगर हम इन टायरों को नट की बात को छोड़ के देखें तो कोई नट बोल्ट भी नहीं है। बिल्कुल काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आपने लगाई है इसमें। एक बार असेंबल कर, हाँ इसको असेंबल करते हैं। सिंपली इसको ये लेके जी आप कीजिए, मैं इसको इस पर करता हूँ, आप वो लीजिए, आप वो इसको लीजिए इसको जी, एक इसको यहाँ लगाइए जिस तरह ताले में चाबी, और इसको यहाँ पे लगाइए। बिल्कुल जैसा है सिस्टम। आराम से इस तरीके से यहाँ बैठ गए, सिंपल अभी सेट हो गए ब्लॉक पे। ये सिमिलरली अब दूसरी साइड पे ये लीजिए, ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे के स्लॉट दिए गए हैं, उसी तरीके से यहाँ पे इसका एक मैकेनिज्म दिए गए, थोड़ा सा अलाइन किया तो ये सारा साइड से रेडी है। अब हम साइड के कवर ले लेंगे,
ये इस तरीके से ये वाली ये अल्फा वाला साइड बाहर और इसको इस तरीके से लगा के यहाँ पर अगर आप देखिए यहाँ ये नॉच दी गई है बिल्कुल ये नॉच है और यहाँ पे ये हाँ उस पर इसको अलाइन करके इसको इस तरीके से अंदर के साइड ये से हाँ कोई नहीं ये तो देख सो इसको सिंपली इसको ये आप स्लॉट देख रहे हैं जी ये होल है इसके साथ मैं कैमरे पे ले लेता हूँ थोड़ा सा ये एक साइड फिक्स हो गया इजीली सिमिलरली ये साइड लिया ये वन अगेन हुक है ये स्लॉट है बिल्कुल तैयार आपका जब चाहें इसे खोलिए जहाँ चाहें वहाँ ले जाएं।